अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हकीकत एंटरटेनमेंट। दोस्तों, क्या हाल है, रमज़ान कैसा जा रहा है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 मोहलिक तरीन फ्रूट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 5, एल्डर बेरी। दोस्तों, ये फ्रूट जेली, चाय और शराब बनाने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस फल में जहरीले अंसर भी होते हैं जो सेहत के लिए जहरीला समझे जाते हैं। ग्लाइकोसाइड, एक अंसर जो जहरीला साइनाइड पैदा करता है, इस पौधे के पत्ते, टहनियों और बीजों में पौधे हैं। ग्लाइसाइड की एक बड़ी खुराक जबानी तौर पर जब खाई जाती है तो इसमें तकलीफ होती है। पलू की वैकांति के आम अलामत इसहाल, मुचली, इली और बदतर कोमा हैं। इस बुजुर्ग बेरी के दरख्त के हिस्से जहरीले हैं, लेकिन आम तौर पर पौधों में जहरीले की सतह कम है। नंबर 4, मिंची नील। मिंची नील, जिसे बीच एप्पल भी कहा जाता है, शायद आपको धोखा दें। कैरेबियन और मेक्सिको का ये देसी फल लजीज लगता है, लेकिन ये मोलिक भी हो सकता है। मिंची नील के दरख्त और उसके फलों के साथ एक आसान रब्ता ख़तरनाक है। ये ज़ुबानी और गजाई नाले के अल्सर और शदीद वर्म में कमी का सबब बन सकता है, और ये मौत की वजह भी बन सकती है। नंबर 3, अक्की। अक्की जमैका का कौमी फल और मगरबी अफ्रीका का आबाई फल है। अगरचे ये फल जमैकन के रोज़मर्रा के खाने का एक हिस्सा है, लेकिन गलत अंजाइज इंतहाई ख़तरनाक है। बग़ैर पले फलों से के की बीमारी हो सकती है, जिससे कोमा या हत्ता के मौत भी वाक़ हो सकती है। नंबर 2, येलो स्टार फ्रूट। दोस्तों, येलो स्टार फ्रूट फल खूबसूरत लगता है और इसका जायका भी अच्छा है, लेकिन गुर्दे की दायमी बीमारी के मरीजों को यकीनी तौर पर इससे गुरेज करना चाहिए। यहाँ तक कि 100 मिलीलीटर की थोड़ी सी मकदार भी इस किस्म के मर्ज में मुबतला अफराद के लिए जहरीला हो सकती है, और ये मौत की वजह भी बन सकती है। नंबर 1, एप्रिकॉट सीड्स। दोस्तों, बाज़ार में मज़ेदार और सेहतमंद फलों में इसे एक खोबानी है। यह ख्याल किया जाता है कि खोबानी के बीज से कैंसर के इलाज में मदद मिल सकती है, और बीजों में विटामिन B17 की ज़्यादा मकदार होती है जो मुदाफियती निज़ाम को फ़रोग दे सकती है। इसकी वजह से ऑनलाइन और मकामी स्टोर खोबानी के बीज बड़े मकदार में पेश करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसे आसानी से ख़रीदने के लिए इसने खतरे की गंडी पैदा करने की एक और वजह भी पैदा की, क्योंकि बड़ी खपत आपकी सेहत के लिए मोहलिक साबित हो सकती है। खोबानी के बीजों में जहरीला साइनाइड होता है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।